हेलो फ्रेंड्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये आपको लग रही है कि सेवई हैं, पर ये सेवई नहीं है। तो ये सेवई की तरह ही आती हैं और इनको बोला जाता है वर्मीसिली। तो ये पैकेट है वर्मीसिली का और इससे मैं बनाने जा रही हूँ रेसिपी। तो देखिए, एकदम अच्छी और बहुत ही बढ़िया और आपको लगने वाली है बहुत ही चटपटी वर्मीसिली की रेसिपी। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो कर लेते हैं गैस ऑन। तो गैस ऑन करने के बाद तो यहाँ पे हमने कर ली है गैस ऑन और अब हमको डाल देना है पहले पानी। तो हम मेजरमेंट इसी कटोरी से करेंगे। तो मैं जल्दी से पहले इसको डाल देती हूँ वर्मीसिली को, और इसी से ही हमको मेजरमेंट करना है और इसको हमको पहले सबसे पहले बॉईल करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो जिस कटोरी से मैं आप मेजरमेंट करें, एक कटोरी अगर आपकी वर्मीसिली है तो आप 3 कटोरी इसमें पानी डालिएगा। और पानी डालने के बाद इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। तो हम डालेंगे इसमें नमक और इसको चला देना है ताकि गुठली ना पड़े। और बीच में थोड़ा थोड़ा चलाना है। तो ये देखिए, और इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक। हम डाल दे रहे हैं ये 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि आगे वाले प्रोसेस में भी हमारा नमक डलेगा। तो इसमें और डालना है थोड़ा सा ऑयल। तो इसमें 2 चम्मच हम डालने वाले हैं ऑयल। तो ऑयल से फिर थोड़ी सी ये खिली खिली हो जाएंगी। ये देखिए, मैंने डाल दिया है इसमें ऑयल। ये 2 चम्मच मेरा ऑयल गया। तो इसको हम होने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं बॉईल करना है इसको। और जब तक हमारा हो रहा है ये बॉईल, तब तक हम कर लेते हैं इसको उसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हमें लेना है 1 जार, और जार में डालना है, मैं घर वाले मेजरमेंट कर रही हूँ चम्मच से, ये घर में जो हमेशा यूज होता है मैं उस चम्मच से मेजरमेंट कर रही हूँ। तो इसमें डालना है 1/2 चम्मच नमक सफ़ेद वाला, और आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है काला नमक, और डालना है 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच इसके अंदर डालनी है हींग। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इसमें। और 1/2 चम्मच डालनी है काली मिर्च, और 1 चम्मच डालनी है कश्मीरी मिर्च, और 1 से 2 चम्मच चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि कोई मीठा ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। तो इसमें और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाली है इसमें चीनी, और अब इसको हम पीस लेंगे। तो चलिए फिर इसको कर लेते हैं, पीस लेते हैं। और इसको एक बार चम्मच से इसको हिला देते हैं ताकि ये नीचे लग ना जाए। तो हमारी ये वर्मीसिली थोड़ी सी पकने लगी है, और ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, सिर्फ 1 से 3 मिनट तक की ही पकाना है इसे। तो गैस को मैंने कम कर रखा है, क्योंकि इसका बॉयल आएगा तो पानी गिर जाएगा इसलिए। तो जब तक हम इस मसाले को पीस लेते हैं, इस मसाले में 1 चम्मच डालना है जो नींबू के ये फूल होता है, इसको फूल भी बोला जाता है, नींबू का शरबत भी बोला जाता है। तो ये 1 चम्मच डालना है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं।
यहाँ पे हमारी वर्मी सीढ़ी हो चुकी है और ये ऐसे करके गला के देखिए तो हमारी ये गल चुकी है। हम कर देते हैं गैस को ऑफ। अब हम इसको फटाफट निकाल लेंगे। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो ये इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो होता रहेगा और गल जाएगी। तो इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल ली हैं वर्मी सीढ़ी। अगर नहीं निकालेंगे तो ये इसमें और ज़्यादा गल जाएंगी। और इसमें डाल देंगे फटाफट ठंडा पानी ताकि ये हमारी ठंडी हो जाए और ये और कुकिंग प्रोसेस इसका रुक जाए। अगर इसका कुकिंग प्रोसेस ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो ये और ज़्यादा गल जाएंगी। हमको इसको गलाना नहीं है इसलिए इसको हम इसमें डाल देने हैं ठंडा पानी। नॉर्मल ये रूम टेम्परेचर का पानी है तो इसको हमने डाल दिया है। तो ये हमारी हो गई हैं ठंडी और हमको ऐसी ही चाहिए थी। ये देखिए खिली खिली सी, ये देखिए ये हैं खिली खिली सी हो गई हैं। अगर इसमें हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो ज़्यादा ठंडा नहीं डालना है, रूम टेम्परेचर का ही पानी डालना है। तो ये हमारी खिली खिली सी हो जाएंगी। अब हम इनको एक साइड में निचड़ने के लिए रख देंगे और इस पानी को रख देते हैं अलग। और ये मसाला बनके हो गया है हमारा तैयार। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ पे अब हम कर लेते हैं ये वाली जो वर्मी सीढ़ी थी इसको बड़े बर्तन में। ये देखिए कितनी हमारी खिली खिली सी हो गई हैं और ये लगभग ठंडी भी हो चुकी हैं। और अब हमको इसमें डालना है चावल का आटा। तो ये मैंने लिया है चावल का, घर में ही पिसाई कर लिया था। तो कम से कम नहीं तो इसमें 4 चम्मच आटा डालना है चावल का। ये डाल दिया है हमने। और फिर डालना है थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपके पास नहीं है तो आरारोट का पाउडर डाल सकते हैं। तो ये मैंने भर के 1 चम्मच डाला है इसके अंदर, आधा चम्मच और डालूँगी। और अब डालना है इसके अंदर मैदा। तो मैदा भी हमको 2 चम्मच डालना है। तो ये डाल दिया हमने मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो चावल का आटा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया है 2.5 चम्मच मैदा। अब इसको हमको देना है मिला सारी वर्मीसीली को ऐसे करके पूरा। ये देखिए खिली खिली सी बन जाएंगी हमारी। ये इतनी प्यारी लग रही हैं ये हमारी वर्मीसीली और मोटी मोटी भी दिख रही हैं। सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐसे करके कर लेना है और ज़्यादा इसको दबाना वाना नहीं है क्योंकि ये बेकार हो सकती हैं। और ये हमने पूरे में मिक्सचर को कर लिया है मिक्स। मुझे इसमें थोड़ा सा चावल का आटा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और डालूँगी। 1 चम्मच और आटा डाल देती हूँ इसके अंदर। ये देखिए अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए और जब तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे और मैंने गैस कर दी है ऑन। और अब इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल। तो उसके बाद हमको कुछ फ्राई करना है तो हम फटाफट कर लेते हैं फ्राई। तो पहले हम ऑयल गरम करेंगे। ये हमारा ऑयल गरम हो रहा है और ये थोड़ी देर लेगा गरम करने के लिए होने के लिए। तो इसको हम गरम होने देते हैं। तो अब हम कुछ चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ये छलनी रखने वाली हूँ ये वाली, और इसमें फ्राई करने वाले हैं हम बादाम। मेरे ये 50 ग्राम बादाम हैं। तो आप भी ऐसे ही फ्राई करिएगा क्योंकि ऐसे फ्राई करने से ये जलते नहीं हैं। और इसको फटाफट चला के निकाल देना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से ये कड़वा लगने लगेगा। और गैस को मीडियम से मीडियम और स्लो के बीच में रखना है। एकदम ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है गैस को।
ये हमको कर लेने हैं ऐसे करके फ्राई। ये देखिए ऐसे ऐसे चटकने में, ज़्यादा चटकेंगे नहीं, और अगर हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में तो ये सारे में फैल जाएंगे और सारा हमारा ऑयल भी बेकार हो जाएगा और हमारे ये अच्छे तरीके से होंगे भी नहीं। और ऐसे करने से फटाफट हम ऐसे उठा सकते हैं, इसको ऐसी छन्नी में ही आप करिए फ्राई तो बहुत मस्त फ्राई हो जाते हैं ये। इसको चलाते रहना है, अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये फिर चटकने से लगेंगे। और मैंने आधे बादाम कट करके डाले थे, आधे बादाम मैंने साबुत डाले हैं, ये देखिए। आप ज़्यादा साबुत ना डालें क्योंकि चटकने का डर लगता है, मुंह पे ना पड़े ये। और ये हमारे लाल हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे, ज़्यादा देर नहीं करना है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो बताइएगा मुझे। और ये नमकीन जो बना रही हूँ ये खाने में बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लगती है। अब हम इनको निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे ये हो चुके हैं, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा लालपन करना है इसको। और इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में और रख लेंगे। अब हम करेंगे काजू, जो मैंने ये 50 ग्राम काजू लिए थे, हर चीज़ का 50-50 ग्राम ली है मैंने। इसको भी हल्का सा लाल कर लेंगे, ब्राउन सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा करने से इसमें टेस्ट नहीं आएगा। गैस को ज़्यादा तेज़ ना करें। ये देखिए ये हो गए हमारे फटाफट, तो इसको और नहीं करना है, इसको भी निकाल लेना है हमको और कर देना है उसी बर्तन में जिसमें हमने बादाम रखे थे, सब चीज़ों को उसी में रखना है। और अब हम कर लेते हैं मूंगफली दाना। तो मूंगफली दाना आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मूंगफली भून लेते हैं, इसमें तल लेंगे मूंगफली को फटाफट। और फटाफट मूंगफली का मुंह जो है वो खुल जाता है और उसके बाद आपको इसको निकाल देना है। ज़्यादा ये हमारी चटकने लगती है थोड़ी, तो थोड़ा ध्यान रखें। ये देखिए कितनी अच्छी हो गई है ये हमारी। जब भी आप मूंगफली को भुने तो इस तरीके से भुनेंगे तो और अच्छी लगेगी। अगर हम इसमें तेल में डाल देते हैं तो फिर वो ज़्यादा भुन जाती है। और ये हमारी हो चुकी है लगभग, इसको हिलाते रहना है। ये देखिए कितनी प्यारी सी हो गई है मूंगफली दाना भी हमारा, सारों के मुंह खुल चुके हैं। और इसको भी अब हम निकालने वाले हैं, ज़्यादा ब्लैक नहीं करनी है, जल जाने के बाद हमारी रेसिपी बेकार हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये लीजिए ये भी हो गई हमारी तैयार। और अब हमको डाल देनी है इसको, पहले निकाल लेते हैं हम। ये निकाल लिया है हमने और अब डालना है सूखा नारियल। तो इसमें अब हमने डाल दिया सूखा नारियल, ये देखिए। इसको भी ऐसे ही फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो इसको भी निकाल लेना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। गैस को एकदम कम कर दें क्योंकि मेरी गैस जो है ज़्यादा तेज़ चलती है कम करने पर भी। ये देखिए ये भी हमारे हो चुके हैं, इसको भी निकाल लें, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, जल जाने का डर है तो इसलिए। और इसको हम निकाल लेते हैं फटाफट। और अब हम डालेंगे किशमिश, ये देखिए हमने डाल दी किशमिश। तो इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम। ये तो बहुत ही जल्दी से हो जाती है, इसको बस ऐसे ही निकाल लेना है। और ये हमारी फूल चुकी है, बस ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये बेकार लगेगी, ज़्यादा हो जाएगी फ्राई। तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ
इसकी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, अगर जल जाए जाएंगी ये मटेरियल तो बिल्कुल बेकार लगने वाली है फिर रेसिपी तो हमारी, इसको इसलिए जलाना नहीं है। तो फटाफट हमने इसको भी निकाल लिया है और अब आगे का प्रोसेस दिखाते हैं हम आपको। अब कर लेनी है हमको जो ये वर्मी सिली थी इनको फ्राई, तो इसको थोड़ा थोड़ा डालें, ज़्यादा ना डालें तो इसको, देखिए फूल गया हमारा, ये हमारा ऑयल ज़्यादा वो होने लग गया, बबल्स आने लग गए हैं इसमें। इसको फटाफट हिलाते रहना है या ताकि नीचे ना लगे। ये देखिए अब इनको फटाफट फ्राई कर लेना है। ये हमारी इसी तरह से सारी वर्मी चिली को फ्राई कर लेना है। और अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है ताकि ये कुरकुरी सी लगे। ये देखिए ऐसे ही सारी वर्मीसिली को फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारी वर्मीसिली हो चुकी है, अब इसमें निकाल लेना है ताकि सारा तेल हमारा इसमें निचड़ जाए। और गैस कर देनी है फ्लेम एकदम लो। ये देखिए कितना ऑयल इसमें से निकल रहा है, इसीलिए इसी छन्नी में से निकाल के निकालिए फटाफट। तो ये हमने निकाल ली है और इसको भी हम उसी बर्तन में डालेंगे जिस बर्तन में हमने सब कुछ डाला है। ये देखो कितना ऑयल निकल रहा है हमारा। तो पूरा ऑयल निकालने के बाद ही इस बर्तन में डालें आप। तो यहाँ पे और डाल लेते हैं वर्मीसिली, अभी बहुत सारी हैं तो इसको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इसको ऐसे ही चलाना है नहीं तो गुठली बन सकती है इसकी। धीरे धीरे ज़्यादा तेज ना चलाएं, ऑयल गर्म है आपके ऊपर गिर सकता है, ज़रा सावधानी से काम करें। ये देखिए ये देखिए इसको एकदम लाल करना है। ये देखिए जो मेरी हो चुकी थी वो कैसी हो गई है, कुरकुरी सी आवाज़ भी आ रही होगी, एकदम कुरकुरी सी जैसी नमकीन होती है ना, वैसे ही इसको करना है। और आलू की भुजिया जैसे होती है कुरकुरी, उसी टाइप से इसको भी करना है। हमारी ये भी हो चुकी है वर्मीसिली, ये देखिए इनको भी निकाल लेते हैं। ऐसे करके सारा ऑयल देखिए नीचे से निकल रहा है, ये कुरकुरी सी हो गई है हमारी ये।
ऐसे ही सारी वर्मिसेली को हम फ्राई कर लेंगे। इसको एक अलग बर्तन में मैं रख दूंगी ताकि इसका ऑयल जो है निचड़ जाए। उसके बाद मैं उस बर्तन में डालूंगी जिसमें सब कुछ मैंने डाला था। तो ये देखिए हमारा सब कुछ यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो ये देखिए हमारी कितनी कुरकुरी सी ये हो गई है, देखिए। तो इसको हम कर लेंगे मिक्स, और इस वाले पेपर को हम लेंगे निकाल। और यहाँ पे मेरी ये थोड़ी सी और रह गई थी, इसको भी डाल देते हैं। और अब डाल देंगे जो हमने मसाला बनाया था, उस मसाले को पूरे को हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और ये मिक्स आप थोड़ी सी ठंडी होने पर ही करिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म में ना करिए। तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर सारा ये मसाला। ये देखिए जितना भी हमने मसाला बनाया था सारा हमने इसमें डाल दिया है। और इसको आप टेस्ट करके देखिएगा कि इसमें अगर नमक थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। और इसको हम कर देंगे मिक्स। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी ये बनके तैयार हो गई है। ये देखिए आप इसको नाश्ते में लीजिए, शाम के नाश्ते में लीजिए, सुबह के नाश्ते में लीजिए, मेहमानों को दीजिए। बहुत ही अच्छी टेस्टी ये बनती है, नमकीन तैयार होती है। आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह और भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा पे डिपेंड है। और अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो नमकीन वाली तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और इसी के संग हम करते हैं इस ब्लॉग का एंड। तो विश्वास फैमिली की तरफ से आपको गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। सही रहें आप, स्वस्थ रहे, आपका जीवन सुखमय ही रहे, यही कामना है हमारी। तो बाय बाय।